lost, never at home. Need to be strong, every breath though, 'cause I can't move on till I let go. Choose a nice road and you, I slip off with you and crash. Move on to हेलो फ्रेंड्स, मेरा नाम उत्कर्ष। आज की वीडियो में हम इस बाइक के इंडिकेटर में एलईडी सिमटेक का इंडिकेटर डालने वाले हैं। आपने देखा होगा, मैंने इसके पहले वीडियो में मैंने इस बाइक में हजार्ड मॉड्यूल लगाना सिखाया था। अगर आपने उस वीडियो को नहीं देखा है तो मैं इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में उसका लिंक दे दूँगा, आप वहाँ से जाकर डायरेक्ट उस वीडियो को देख सकते हैं। सो यहाँ पर है हमारे पास सिमटेक का इंडिकेटर बल्ब। इधर दिखने पर 1199 रुपये इसका प्राइस लिखा है, आप लोग देख सकते हैं, लेकिन ये 700 का मुझे पड़ा है, एक साल के वारंटी के साथ है। अगर आपको ये परचेस करना हो तो आप सिमटेक का क्रॉस पिन का ही परचेस करिएगा। इसमें स्ट्रेट पिन नहीं लगता, इंडिकेटर में क्रॉस आता है एक और एक स्ट्रेट आता है। इस इंडिकेटर का इसी साथ हम इसका एक शॉट रिव्यू कर लेते हैं। जैसे कि आप देख रहे हैं, ऐसे हमें इसका बॉक्स आता है। इधर इसका प्राइस मेंशन किया है 1199 रुपये, लेकिन मैं कह रहा हूँ इसका ये ओरिजिनल प्राइस नहीं है, इसका प्राइस 700 रुपये में हमें मिल जाता है। इसको ओपन करने के बाद सबसे पहले हमें यहाँ पर कुछ फॉर्म मिलता है इस प्रोडक्ट को सेफ रखने के लिए। उसके बाद देख सकते हैं यहाँ पे हमारा चारों इंडिकेटर बल्ब निकल चुका है। आपको मैं कह रहा था ना, क्रॉस पिन लीजिएगा। आप लोग देख सकते हैं इधर इसका पिन ये स्टेट में नहीं है, स्टेट में इधर लगता है, इसका क्रॉस पिन इस इंडिकेटर में लगता है। तो आप क्रॉस पिन का ही चॉइस करिएगा। यहाँ पे हमें चार पीस मिल जाता है और एक साल के वारंटी के साथ। और दूसरा चीज़, इधर हमें कुछ इसका कार्ड मिल जाता है, ये परचेस करने पर ये कार्ड मिलता है। लास्ट में इसका बिल अंदर रखा हुआ है। इसमें नहीं, ये 750 रुपीज़ का है, मैं गलत बता रहा था, 700 का, ये 750 का है। आपको ये 600 में भी मिल सकता है कभी। इसको हमें इसमें लगाने के लिए आपको इधर दिख रहा होगा, इधर इसका एक स्क्रू दिया है, हम इसको ओपन कर लेते हैं। ये हमारा खुल चुका है। इसके बाद इसको हमें बाहर की साइड निकाल लेना है। आप ध्यान दीजिएगा, इसको ज़्यादा तेल मत खींचिएगा, इधर इसके लॉक लगा होता है, वो टूट सकता है। एंड इधर इसके साथ हमें इसका रबड़ मिल जाता है, इधर अंदर पानी ना जाए, इसके लिए आप उस रबड़ को ध्यान दीजिएगा। इसमें लगाने के लिए हमें ये जो हमारा कंपनी फिटेड बल्ब है, इसको हमें अंदर के साइड दबा के इसे घुमा देना है एंटी क्लॉकवाइज। हम इसको इसमें लगा देते हैं, फिर आपको दिखाते हैं। लगाने के लिए आपको कुछ नहीं करना, जैसे आप जैसे उसको निकाले थे वैसे ही इसको लगा देना है। हजार्ड में दोनों का अंतर देख ही सकते हैं, किसका लाइट ज़्यादा ब्राइट है और किसका नहीं। तो इसका ब्राइट बहुत ज़्यादा, उससे उसका तो कुछ भी नहीं इसके सामने। ऐसे हमें सेम चारों में लगा लेना है जैसे हमने इसमें लगाया है। अब जैसा कि हम इसको लगाने के लिए बता सकते हैं, पहले आप वार्सल को इसके अंदर स्पेस दिया होता है, आप उसके अंदर पहले इसके वार्सल को रख दीजिएगा। और यहाँ पे देख सकते हैं हमें एक लॉक मिलता है इसमें, ये रहा हमारा लॉक। इधर भी स्पेस दिया, उसके अंदर हमें इसको ऐसे डाल के पहले उसको फिर इसको ऐसे दबा देना है, ये इजीली इसमें लॉक हो जाएगा। अब उसके बाद हमें कुछ नहीं करना है, इसका स्क्रू हमें टाइट कर देना है। और ज़्यादा भी स्क्रू को मत टाइट करिएगा वरना इसका टूट जाता है। मेरा एक साइड का टूट गया है तो मैं आपको बता दे रहा हूँ, उसको ज़्यादा भी टाइट मत करिएगा। सर देख सकते हैं हमने चारों इंडिकेटर को तो नहीं लगा पाया, मैं भी जल्दी जल्दी में भूल जाता हूँ सब कुछ। इसके लिए मुझे इसका डिग्गी खोलना पड़ेगा, डिग्गी खोलने के लिए मुझे रिंच चाहिए होगा, आई थिंक 13 नंबर का इसमें रिंच लगेगा। तो मैं तीन ही लगा पाया, एक को नहीं लगा पाया हूँ, एक को मैं बाद में आपको लगा के दिखा दूंगा। तो अभी ट्रायल करने के लिए आपको मैं दिखा ही सकता हूँ कि इसका क्या मैं ब्राइटनेस दे रहा है, पहले से और अब बिफोर और आफ्टर का मैं वीडियो डाल दूंगा इसी वीडियो में। अब इसको ऑन करके दिखाते हैं एक बार, देख सकते हैं नॉर्मल इंडिकेटर का। देखा, अब आप इसका देखिएगा सिमटेक वाला, देख सकते हैं ब्राइटनेस में कितना ज़्यादा अंतर है दोनों के, मुझे बताने की ज़रूरत नहीं है। और मैं एक बार हजार्ड ऑन करके आपको दिखा देता हूँ। अब हजार्ड में देख सकते हैं दोनों में ब्राइटनेस में कितना ज़्यादा अंतर आ रहा है। भाई आगे दिखा दे यार, आप आगे से भी देख सकते हैं इस बाइक को, आगे से इसका ब्राइटनेस कितना ज़्यादा है। यहाँ पर हमने इस बाइक का इंडिकेटर का टेस्टिंग कर दिया है, यहाँ पे हमारे भाई हैं, और मैंने इसका टेस्टिंग कर दिया। यहाँ पे अभी बहुत ज़्यादा धूप हुआ है इसलिए इसका विजिबिलिटी आपको उतना ज़्यादा नहीं दिख पा रहा होगा। मैं इसका रात में आपको दिखाऊंगा इसका शॉट, फिर आपको पता चलेगा इसका रियल में ब्राइटनेस कैसा है। अब रात के समय आप इस लाइट का ब्राइटनेस देख सकते हैं इंडिकेटर बल्ब का, जो हमने इसमें सिमटेक का LED इंडिकेटर डाला है। तो हम हजार्ड को ऑन करते हैं इसके, आप दोनों में डिफरेंट देख सकते हैं अभी बिफोर और आफ्टर का। ये जो आप देख रहे हैं इस टाइम सिमटेक का है। अब इसके बाद जो मैं आपको दिखाऊंगा वो जो नॉर्मल कंपनी से लगाता है उसका वाला दिखाऊंगा। ये हमारा कंपनी वाला इंडिकेटर है। अब दोनों ही इंडिकेटर में डिफरेंट देख सकते हैं, बहुत ज़मीन आसमान का डिफरेंट है दोनों इंडिकेटर में, वो तो आपको दिख ही रहा होगा। ये हमारा सिमटेक इंडिकेटर का बल्ब है।
I can't move on till I let go. I feel so lost, never at home. Need to be strong every breath, oh. Cause I can't move on till I let go. आपने इसको देख लिया, अब हम वीडियो कहीं पर एंड करते हैं। अगर आपको ये पसंद आए तो आप इसको मॉडिफाई अपने बाइक में कर सकते हैं। ऐसा इस वीडियो को लाइक कर दीजिएगा। अगर ये वीडियो आपको पसंद आए तो आप चैनल को भी सब्सक्राइब कर सकते हैं।